हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अनुपशी किचन विद ब्लॉग। गाइस, मैं फिर से एक नया रेसिपी का वीडियो लेके आई हूँ। ये देखिए मैं आज क्या बनाने वाली हूँ। ये क्या है बोलिए तो? ये है पपीता। मैं आज बनाने वाली हूँ पपीता का रेसिपी। बहुत ही सिंपल सा एक रेसिपी है, आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो देखिए, देखते रहिए मैं कैसे बनाती हूँ पपीता का रेसिपी। ये पपीता देखिए अच्छे से साफ़ा करके इसका बारीक सा काट लिए हैं। तो चलिए देखते रहिए मैं कैसे बनाती हूँ, क्या क्या ऐड करती हूँ। तो गाइस देखिए, इधर एक कढ़ाई चढ़ा दिए है, गरम हो गया है। इसी में हम लोग ऐड करेंगे सरसों का तेल। तेल मेरा गरम हो गया है, इसी में हम लोग ऐड करेंगे 2 सूखा मिर्चा। तो इसी में हम लोग ऐड करेंगे 1 तेजपत्ता। देखिए इसी में हम लोग डाल देंगे बारीक कटा हुआ टमाटर। ये टमाटर को गलने तक अच्छे से पकाएंगे। बहुत ही सिंपल सा एक रेसिपी है, घर में नॉर्मली जैसे बनाते हैं वैसे वही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, लेकिन खाने में बहुत टेस्टी बनता है। चावल के साथ बोलो, रोटी के साथ बोलो, खा सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। ऐसे तो पपीता सब कोई पसंद नहीं करते, लेकिन इस तरह से एक बार बना के देखिए, बहुत अच्छा लगता है खाने में, बहुत ही टेस्टी बनता है। तो इसको हम लोग 1 मिनट जैसा ढक के पकाएंगे कि टमाटर टू गल जाए। तो 1 मिनट जैसा हो गया है, चलिए देखते हैं। तो गाइस देखिए, टमाटर हल्का सा गल गया है। ये रेसिपी बिल्कुल वेज है, कोई प्याज लहसुन कुछ यूज़ नहीं करेंगे, निरामिष बनेगा। इसी में ही बहुत ही टेस्टी बनता है, बिना लहसुन प्याज का है। इसी में थोड़ा सा अदरक कूट लिए है, इसको ऐड कर देंगे बिल्कुल थोड़ा सा। तो इसको भी हल्का सा भून लेंगे कि अदरक का कच्चापन तो चल जाए। बहुत ही सिंपल सा रेसिपी है, लेकिन बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में पपीता का रेसिपी। तो देखिए मेरा टमाटर अच्छे से फ्राई हो गया है। इसी में गैस का फ्लेम लो रखना है। इसी में हम लोग ऐड करेंगे 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर और हल्दी। तो इसके साथ बिल्कुल लो फ्लेम, मीडियम टू लो फ्लेम में फ्राई करना है, नहीं तो मसाला जल जाएगा, क्योंकि इसमें हम कोई पानी ऐड नहीं किए हैं। इसी में ऐड कर देंगे 2 हरी मिर्च जो बीच से फाड़ लिए हैं। देखिए इसी में ऐड किए हैं बारीक काटा हुआ पपीता। देखिए थोड़ा सा स्किप हो गया वीडियो पपीता डालने में। तो इसको पपीता को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, फिर इसी में ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक। नमक के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे।
इसको भी ढक के पकाएंगे एक से दो बार मीडियम टू लो फ्लेम में। दो मिनट जैसा हो गया है, फिर से चलिए देखते हैं। तो देखिए अभी भी बहुत पकेगा, इसको अच्छे से फ्राई करना होगा। तो एक बार चला देते हैं, नहीं तो लग जाएगा। तो इसी में हम लोग ऐड करेंगे थोड़ा सा चीनी, हल्का सा चीनी। आप लोग स्किप भी कर सकते हैं जिसको पसंद नहीं। चीनी देने से एक तो हल्का सा मीठापन आता है, उससे टेस्ट और अच्छा लगता है। तो इसको हम लोग फिर से ढक देंगे, ढक ढक के पकाएंगे और अच्छे से फ्राई करेंगे। तो गाइस देखिए सब्जी मेरा पक ही गया है, थोड़ा सा और फ्राई करेंगे ऐसे ही। इसको अच्छे से फ्राई करना होता है, फ्राई करने से टेस्ट को अच्छा लगता है खाने में। तो इसी तरह उसको चलाते जाएंगे मीडियम टू लो फ्लेम में, जलना नहीं चाहिए। बहुत ही सिंपल सा रेसिपी एक शेयर किए हैं आप लोग के साथ, देखिए बहुत ही जल्दी बन जाता है, बिल्कुल टाइम नहीं लगता है। देखिए लेकिन खाने में बहुत टेस्टी बनता है। तो देखिए मेरा सब्जी लगभग तैयार है। अगर ये सिंपल सा रेसिपी आप लोगों को अच्छा लगे तो ज़रूर एक तो लाइक करिएगा। आप लोग कमेंट करते हैं, लाइक कम पड़ जाता है, तो प्लीज़ दोस्तों पहले लाइक करके वीडियो को देखिएगा और बिल्कुल स्किप मत करिएगा। समय नहीं है तो वीडियो मत देखिएगा, लेकिन स्किप मत करिएगा। जब समय हो, देखने का इच्छा हो, तब देखिएगा। रिक्वेस्ट करती हूँ, क्योंकि मैं किसी का वीडियो स्किप नहीं करती हूँ, सबका वीडियो फुल वॉच करती हूँ जिसका भी देखती हूँ। ज़्यादातर लोगों का वीडियो देखना मेरा होता नहीं है, लेकिन जिसका देती हूँ देखती हूँ मैं, जिसका भी वीडियो देखती हूँ फुल वॉच करती हूँ ऐड समय। तो आप लोग भी मेरा वीडियो ऐड समय देखिएगा। तो गाइस देखिए मेरा सब्जी बनके तैयार है, तो चलिए सर्व करके दिखाती हूँ। मैं जिसका भी वीडियो देखती हूँ फुल वॉच करती हूँ ऐड समय। तो आप लोग भी मेरा वीडियो ऐड समय देखिएगा। तो गाइस देखिए मेरा सब्जी बनके तैयार है, तो चलिए सर्व करके दिखाती हूँ। मैं जिसका भी वीडियो देखती हूँ फुल वॉच करती हूँ ऐड समय। तो आप लोग भी मेरा वीडियो ऐड समय देखिएगा। तो गाइस देखिए मेरा सब्जी बनके तैयार है, तो चलिए सर्व करके दिखाती हूँ। मैं जिसका भी वीडियो देखती हूँ फुल वॉच करती हूँ ऐड समय। तो आप लोग भी मेरा वीडियो ऐड समय देखिएगा। तो गाइस देखिए मेरा सब्जी बनके तैयार है, तो चलिए सर्व करके दिखाती हूँ। मैं जिसका भी वीडियो देखती हूँ फुल वॉच करती हूँ ऐड समय। तो आप लोग भी मेरा वीडियो ऐड समय देखिएगा। तो गाइस देखिए मेरा सब्जी बनके तैयार है, तो चलिए सर्व करके दिखाती हूँ। मैं जिसका भी वीडियो देखती हूँ फुल वॉच करती हूँ ऐड समय। तो आप लोग भी मेरा वीडियो ऐड समय देखिएगा। तो गाइस देखिए मेरा सब्जी बनके तैयार है, तो चलिए सर्व करके दिखाती हूँ। तो गाइस देखिए फाइनली मेरा सब्जी बनके तैयार है। पपीता का सिंपल सा रेसिपी है, तो देखिए सर्व कर लिया है। देखने में बहुत टेस्टी लग रहा है,
आप लोग भी इसी तरह एक बार ट्राई करके देखिए, बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। रोटी के साथ बोलिए, गरम गरम चावल के साथ बोलिए, दाल चावल और ये पपीता का सब्जी हो जाए तो और कुछ नहीं चाहिए होता है। तो गाइस, मेरा ये सिंपल सा रेसिपी आप लोगों को कैसा लगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ फिर से बोलूँगी एक टू लाइक कर दीजिएगा। तो मेरे साथ इतना टाइम बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय। जी बन के तैयार है, पपीता का सिंपल सा रेसिपी है, तो देखिए सर्व कर लिया है, देखने में बहुत टेस्टी लग रहा है। आप लोग भी इसी तरह एक बार ट्राई करके देखिए, बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। रोटी के साथ बोलिए, गरम गरम चावल के साथ बोलिए, दाल चावल और ये पपीता का सब्जी हो जाए तो और कुछ नहीं चाहिए होता है। तो गाइस, मेरा ये सिंपल सा रेसिपी आप लोगों को कैसा लगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ फिर से बोलूँगी एक टू लाइक कर दीजिएगा। तो मेरे साथ इतना टाइम बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।